कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पिछले दिनों आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुली बनकर सिर पर सामान ढोते दिखे थे। इस बार राहुल गांधी एक सामान्य यात्री की तरह ट्रेन में सफर करते नजर आए हैं। जी हां, राहुल गांधी ने बिलासपुर से रायपुर के बीच 117 किलोमीटर का सफर ट्रेन से तय किया। यात्रा के दौरान उन्होंने पैसेंजर से उनकी समस्याएं जानी, ट्रेन में मौजूद महिला हॉकी खिलाड़ियों से बात की, उनकी ट्रेनिंग और उनको मिल रही सुविधाओं के बारे में भी पूछा। राहुल गांधी ने अपनी ट्रेन यात्रा की कुछ तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में लिखा, भारत जोड़ो यात्रा जारी है। बिलासपुर से रायपुर तक की एक छोटी सी ट्रेन यात्रा। सफर के दौरान कई सहयात्रियों से मिलने का मौका मिला और काफ़ी बातें भी हुई। दरअसल कांग्रेस के आवास सम्मेलन में शामिल होने के बाद राहुल बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे और आम लोगों की तरह इंटरसिटी एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में सवार हो गए। राहुल S1 कोच में 68 नंबर सीट पर बैठे और आसपास मौजूद अन्य यात्रियों से बातचीत भी की। लगभग 2 घंटे की अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी कभी बच्चों से बात करते नजर आए तो कभी यात्रियों से उनकी परेशानियां सुनते दिखे। राहुल गांधी ने ट्रेन में सफर कर रही छात्राओं से भी मुलाकात की। उन्होंने कुछ बच्चों को चॉकलेट और चिप्स भी खरीद दिया। साथ ही एक छात्रा की कॉपी पर उन्होंने तस्वीर बनाने की भी कोशिश की। राहुल की इस रेल यात्रा की जानकारी मिलने पर रास्ते के स्टेशनों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनका हाथ हिलाकर अभिवादन किया। हॉकी खिलाड़ी से क्या हुई बात? प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैज के अनुसार राहुल गांधी अपने सफर के दौरान बच्चों से मिले। राहुल गांधी ने जिस लड़की से बातचीत की वो एक हॉकी खिलाड़ी थी। खिलाड़ी ने राजनंदगांव जिले में स्थित हॉकी ग्राउंड की खराब हालत के बारे में बताया। राहुल गांधी से बातचीत के बाद इस लड़की ने बताया, मैंने उनसे कहा कि हम नया टर्फ चाहते हैं। ये लड़की राजनंदगांव की ही रहने वाली बताई जा रही है। कांग्रेस नेता ने इस यात्रा के दौरान राजनंदगांव में स्थित खेलो इंडिया सेंटर में खिलाड़ियों को मिल रहे प्रशिक्षण और अन्य सुविधाओं की भी जानकारी ली। रायपुर में भीड़ ने किया स्वागत। जब राहुल गांधी रायपुर स्टेशन पहुंचे तो बहुत बड़ी संख्या में लोग रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। भीड़ ज़्यादा हो जाने के कारण राहुल गांधी को उनकी गाड़ी तक ले जाने के लिए सुरक्षा कर्मियों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ CM भूपेश बघेल, राज्य की कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक वैज मौजूद थे।